प्रेगनेंसी के दूसरे महीने के दौरान ज़्यादातर माताएं, ज़्यादातर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, वो कंफ्यूज होती हैं कि क्या खाएं, क्या ना खाएं, कौन सी चीज़ों को ज़रूर समझ के शामिल करना है। आज मैं वही सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। नमस्कार, माय उपचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में किन चीज़ों को आपको अपने डाइट में आवश्यक मान के शामिल करना है। सबसे पहली चीज़ जो आपको जाननी है कि इस दौरान आपके गर्भ के साथ क्या विकास हो रहा होता है। इस दूसरे महीने में बच्चे के जो हाथ और पैर का आकार बनना शुरू हो जाता है, साथ ही साथ मस्तिष्क का भी विकास होने लगता है। इसी कारण से गर्भवती माँ को अपने आहार में कुछ चीज़ें विशेष तौर पर लेनी होती हैं। पहली चीज जो है फॉलिक एसिड और आयरन। आपके डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड और आयरन की दवाइयाँ तो देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको अपने आहार के थ्रू यानी कि डाइट के थ्रू लेनी है, जिससे कि उस खाने का पूरा अवशोषण आपके शरीर में हो सके। इसके लिए आपको अपने हर आहार में कोशिश करके हरी और पत्तेदार सब्जी शामिल करनी है। कैसे कर सकते हैं? सुबह नाश्ते में आप सैंडविच के फॉर्म में ले सकते हैं, दोपहर के खाने में आप जो है अपने साग के फॉर्म में, पालक पराठा के फॉर्म में, साथ ही साथ पालक पनीर के फॉर्म में या पालक वाली कढ़ी के फॉर्म में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बीच का समय आता है उस समय आप पालक का जूस, पालक और चुकंदर का जूस ऐसे करके ले सकते हैं। शाम में वापस से आप जो है सलाद के फॉर्म में या आप चाहें तो उन्हें सूप के फॉर्म में ले सकते हैं, और डिनर के समय वापस से आप साग और कढ़ी और पालक पनीर या रोटी में गूंथ करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग समय में अलग अलग तरीके के बने हुए साग का आप इस्तेमाल करें। इनमें मौजूद जो आपके आयरन और फॉलिक एसिड है, वो बच्चे के विकास के लिए शुरुआत के जो 3 महीने होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आपके बच्चे के, आपके भ्रूण के विकास में मदद करेगा। एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि इस साग, जो भी आप साग, चौलाई, मेथी, पालक, जिस भी चीज़ का आप साग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके साथ आपको नींबू पानी का सेवन करना है, जिससे कि फॉलिक एसिड और आयरन का पूरा अवशोषण आपके शरीर में हो सके। दूसरी चीज़ जो आपको लेनी है वो आपको लेना है दूध। इस दौरान प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में, क्योंकि आपका जो भ्रूण है उसमें जो हड्डियों का विकास होता है, उसके साथ ही साथ जो अन्य आपके उसके हार्मोन से संबंधित तो उसके जो दांत बनेंगे या उसके जो भी विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है, वो पूरी की पूरी आप दूध से पूरी कर सकते हैं। यदि आपके शरीर में इन पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा नहीं होगी तो आपके शरीर में यानी कि माँ के शरीर में जो उसकी हड्डियाँ होती हैं वो कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि दिन में कम से कम 750 से 1000 ml तक आपको दूध लेना है। लो फैट दूध लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, जिससे कि मोटापा नहीं बढ़ेगा इस दौरान, एक नियमित तौर पर जो प्रोटीन और कैल्शियम की ज़रूरत है वो पूरी हो पाएगी। तो इसके लिए आपको, अगर आप दूध पी पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पी पा रहे हैं तो आप दही या पनीर या छाछ के फॉर्म में ले सकते हैं। कुछ लोगों को इस दौरान गर्म दूध पीने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए आप ठंडे दूध में थोड़ा रूह अफ़ज़ा या थोड़ा केसर डाल के या थोड़ी इलायची डाल के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस चीज़ को करके माँ के शरीर में किसी भी तरीके की कैल्शियम की कमी नहीं होगी, और जो माँ के पेट में पल रहा जो गर्भ है उसका विकास, उसके हड्डियों का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा। अगली चीज़ जो आपको जाननी ज़रूरी है वो ये कि इस दौरान कब्ज की शिकायत जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसके लिए आपको वो चीज़ें नहीं लेनी है अपने आहार में जो आपको कब्ज की शिकायत देती हो। आपको एक बार नोटिस करना पड़ेगा कि आपका शरीर किस तरीके से आपको सिग्नल दे रहा है जो चीज़ें खा के आपको कब्ज होते हैं। कुछ लोगों को राजमा, छोले, लोबिया खा के गैस और कब्ज की शिकायत हो जाती है, कुछ लोगों को गोभी जैसी फैमिली जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी, ऐसी चीज़ें खा के गैस की शिकायत या कब्ज की शिकायत हो जाती है, तो आपको एक बार खुद से ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। साथ ही साथ कब्ज को ख़त्म करने के लिए आपको ऐसे फलों का इस्तेमाल करना है जिनमें फाइबर ज़्यादा हो, जैसे संतरा हो गया, मौसमी है, चकोतरा हो गया, सेब है, अमरूद है, इनका आप सेवन कर सकते हैं। इनके अलावा रोटी जो है वो चोकर के साथ बनाएं। अगर आपके आटे में चोकर नहीं है तो आप थोड़ा घिया कद्दूकस कर ले या साग गूंथ करके आप रोटी बनाएं, जिससे कि आप फाइबर की मात्रा बढ़ा सकें और कब्ज की जो शिकायत है, जो पेट साफ ना होने की शिकायत है, वो ख़त्म हो पाएगी। इन सब के साथ साथ आप जब रात में दूध लेते हैं तो उसके साथ एक चम्मच इसबगोल का भी ले सकते हैं, उससे भी अगली सुबह आपको जो है कब्ज की शिकायत नहीं होगी, पेट अच्छे से साफ हो पाएगा। तो इन सारी चीज़ों को, सब्जियां हो गई, फल हो गए, इसबगोल हो गया, इनका इस्तेमाल करके आपको कब्ज की शिकायत कम होगी, आपको अच्छा फील होगा। इसके लिए आपको बस एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि बहुत ज़्यादा तेल, मसाला या बाहर का खाना या फ्राइड खाना ना खाएं, क्योंकि उससे भी प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी समस्याओं को देखा जाता है।
तो ये तो चीज़ें आपको अपने आहार में ऐड करनी है। इन सब के साथ साथ आपको एक संतुलित आहार लेना है जिसमें अच्छी मात्रा में आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट वाली चीज़ें हों, जिससे कि आपके शरीर में कोई कमी ना हो और बच्चे का विकास पूरी तरीके से हो पाए। इसके लिए आपके खाने में एक नियमित मात्रा में आपके रोटी, चावल या जो भी अनाज आप यूज़ करते हैं, ज्वार, बाजरा वगैरह, वो होने चाहिए। दाल की अच्छी मात्रा होनी चाहिए, दिन में 3 से 4 कटोरी आप दाल खा सकते हैं। सब्जियां खूब अच्छी खासी हों, रंग बिरंगी सब्जियां हों, दूध, दही, अंडा, पनीर, ये भी बहुत अच्छी मात्रा में होनी चाहिए। और साथ ही साथ आप पानी खूब अच्छे तरीके से पिए, जिससे कि आपको प्यास ना लगे बहुत ज़्यादा, शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो, पेट अच्छे से साफ हो सके। यदि आप इस विषय में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे अभी एक लिंक पेस्ट कर दूंगी रोगों से मुक्त रखने वाली थाली की। तो वो रोगों से मुक्त रखने वाली थाली में जो भी आपको अनुपात बताया है उस हिसाब से, और यहाँ मैंने बाकी जो चीज़ें आपको बताई हैं वो, इन दोनों को आप ऐड करके अपने दूसरे महीने की डाइट को पूरा कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें करके आप अपनी समस्या को, जो इस प्रेगनेंसी के दौरान जो भी आपको चेंजेस फील कर रही हैं, उनको सॉल्व करने में मदद मिलेगी। साथ ही आपके भ्रूण का, आपके पेट में पल रहे बच्चे का पूरा पूरा विकास हो पाएगा। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। तो आशा करती हूँ कि इस प्रेगनेंसी के जो हमारी एक सीरीज़ वीडियो आएगी अभी आपके पास, पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक, वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा गर्भवती महिलाओं को या फ्यूचर में जो महिलाएं आप प्रेग्नेंट होने का प्लान कर रही हैं उनके साथ शेयर करेंगी। यदि आपके पास कोई भी हमारे लिए सुझाव है या आपके पास कोई भी सवाल है जिसके विषय में आप जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ उसे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपकी पूरी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।